शिवानंद स्टोर में शिवा सुनाएगा अपना बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है दिवाली सेलिब्रेशन। और शिवा और रावि को पहले से ही बाइक सिखाते वक्त रावि के गिरने पर दिशा और दिशा की फैमिली भी उसे साथ में देख लेती है कि वो उसे गोद में उठाकर लेकर जा रहा है। और रावि को इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है और उसे खोने का डर शिवा के मन में बैठ चुका है और उसके सामने आ चुका है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो वहीं पर अब देखने को मिलेगा कि रावि भी शिवा को पाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेलेगी और एक लड़के को झूठ भी हाँ कर देगी कि वो उसको पसंद है। और ये बात धरा के सामने आ जाती है और शिवा के सामने भी। शिवा बहुत बुरी तरह से बौखला जाएगा और देखने को मिलेगा दिवाली पर काफी कुछ तमाशा। और नतीजा इसका ये होगा कि शिवा शादी से दिशा से शादी के लिए इनकार कर देगा। अब भाई शादी के दिवाली के दूसरे दिन ही तलाक होने वाला है शिवा और रावि का, और इसके लिए सुमंत उसे आशीर्वाद दे देती है। लेकिन ये आशीर्वाद फलने नहीं वाला क्योंकि शिवा ये सगाई करने ही नहीं वाला। तो भाई यहाँ पर शिवा और रावि के बीच में एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है जो उन्हें इस तलाक को होने से रोकेगा। वही रावि यहाँ पर अब जब शिवा कह देते शिवा इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो दिशा के लिए सगाई कर रहा है और उसको मना भी नहीं कर रहा, तो रावि भी बहुत बुरी तरह से नाटक करते नजर आएगी और इस लड़के की एंट्री ही शिवा को अब तलाक होने से रोकेगी। तो भाई यहाँ पर रावि के हाँ के बाद में शिवा बौखला जाता है और दिशा से शादी के लिए इनकार कर देता है और रावि का हाथ थाम लेता है और कह देता है कि वो ये तलाक नहीं चाहता और अपनी कोई एक बहुत बड़ी खबर सबको सुना देता है कि वो तलाक बिल्कुल नहीं लेगा और वो दिशा के साथ शादी नहीं कर सकता और दिशा से माफ़ी भी मांगेगा और सब घर वालों के सामने रावि का हाथ थाम लेगा। और इसी के साथ में कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी और शिवा और रावि की एक नई कहानी शुरू होगी जहाँ पर शिवा रावि को बाइक सिखाते भी नजर आएगा और इन दोनों की केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी।